सबसे पहले तो मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा देर हो गई। एक तो आप लोगों के माध्यम से कर्नाटक के हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कर्नाटक कांग्रेस के राज्य के हमारे कांग्रेस लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता, सबको मैं बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़े। साथ में हम बधाई देते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वे प्रचार करने गई, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, और उन सभी को जिन्होंने वहाँ प्रचार किया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। और अब कोई सिंधिया हमारे पार्टी में नहीं है, इसलिए सिंधिया जी मैं कहूँगा, मैंने माफ़ी करें महाराज आप सिंधिया कर दिया, सिंधिया जी भी हमारी पार्टी में अब कोई नहीं है, इसलिए कोई खरीद फरोख भी नहीं हो। मध्य प्रदेश के हालात 20 साल में इनके कार्यकाल में बिगड़ती जा रही है। 2003 का इनका आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, कौन से वादे इन्होंने पूरे किए? क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया? क्या किसानों के आर्थिक हालत सुधर गई? क्या बहुत विशेष कोई इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए? क्या और भी कोई वादा इन्होंने किया हो उसको पूरा किया गया? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश की भाजपा अपने वादों में विफल रही है। और शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा उर्फ मामू का तो कहना क्या, जितनी घोषणाएं की हैं लगभग 2500, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी गाली गिनते हैं उसी तरह से हम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं की भी गिनती कर रहे हैं। लगभग 2176 घोषणाओं की तो गिनती हो गई है और गिनती अभी चालू है, क्योंकि घोषणाएं वो करते चले जा रहे हैं। तो चुनाव होने तक लगभग 5000 की घोषणाएं जो उन्होंने पूरी नहीं की हैं वो सामने आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे आदिवासी भाइयों की, लगभग 23% हमारे आदिवासी भाई। और यदि आप देखें कि जो अमरकंटक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जिसको कि माननीय अर्जुन सिंह जी ने एचआरडी मिनिस्टर होने के नाते वहाँ स्थापित की, वहाँ हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए एडमिशन प्रवेश की 50% आरक्षण था एक्ट में है। लेकिन जब से ये नए वाइस चांसलर साहब आए, डॉक्टर त्रिपाठी नाम है शायद जी, प्रोफेसर त्रिपाठी, डॉक्टर प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए उनकी मान्यता है कि नहीं जांच करने पता पड़ेगा हम लोगों को कि वो वाकई में प्रोफेसर है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल डिग्री का कोई भरोसा नहीं, कौन डिग्री कहाँ से ले आए तो इसलिए जो डॉक्टर प्रोफेसर त्रिपाठी के आने के बाद आदिवासियों के प्रवेश में 50% से घटा क्यों दिया गया? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ये बात प्रमाणित है
तो इन पर SC ST अट्रोसिटीज एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने न केवल कानून का उल्लंघन किया है लेकिन आदिवासियों के हितों का इन्होंने कुठाराघात किया है। इन पर ST अट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए और तत्काल इनको यहाँ से हटाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीनें हम लोगों ने कांग्रेस ने बांटी, कुछ की पहले से थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उन ज़मीनों को एन केन प्रकार से, दबाव से, कहीं लोभ से, लालच से ज़मीनें खरीद रहे हैं। जिला कलेक्टर खुलेआम इजाज़त दे रहा है, कितना हिस्सा है मैं नहीं जानता। सतना और रीवा की जानकारी मेरे पास है कि वहाँ भाजपा के नेता पौने पौने दाम में आदिवासियों से ज़मीन खरीदते हैं, 3-4 लाख रुपए एकड़, और हफ्ते 10 दिन बाद वही ज़मीन 30-35-40 लाख रुपए पर एकड़ में बेच रहे हैं। ये केवल यहाँ नहीं हुआ, राम मंदिर के ट्रस्ट की ज़मीन के खरीदने में भी ये हुआ है। बेचने वाला भाजपा, खरीदने वाला भाजपा, और एक हफ्ते में 10 गुना कीमत में राम मंदिर न्यास ने खरीदी। अरे राम मंदिर न्यास में हमारा भी पैसा लगा हुआ है, हमने भी चंदा दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया, क्या उसकी जांच नहीं होना चाहिए? आज पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही। आदिवासी पढ़े लिखे छात्र छात्रा हमारे, उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। अभी कल या परसों शिवराज सिंह जी ने एक और घोषणा की है कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में शासकीय स्कूलों से निकले बच्चों के लिए 5% आरक्षण दिया जाएगा। कल मुझे शेड्यूल में बताया गया कि अभी जो नियुक्तियों शेड्यूल में हुई हैं उसमें कुल भर्ती हुई है 509 भाजपा के कार्यकाल में, जिसमें 249 मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, यानी कि आधे से ज्यादा, लगभग आधे बाहर प्रदेश के लोगों को नौकरी मिल दी है भाजपा ने। और उसके बाद बचे जो लोग उसमें 206 बालाघाट, सिवनी, विदिशा, सागर आदि शेडोल के लोगों की नौकरी नहीं मिली, शेडोल के बाहर के लोगों को नौकरी मिली है। केवल 49 लोग शेडोल के हैं 509 में से। और जब पंचायती राज था 93-2003 के बीच में, पूरी नियुक्तियां शेडोल जिले की हुई, शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी आदि आदि, वही हालत अनूपपुर की है। जिला पंचायत, जनपद पंचायतों का अधिकार था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को महत्व दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से, आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, आप बताइए कितने किसान पुत्रों के आपने नौकरी दी है, आप ही के गांव के, आपके जिले सीहोर के, मैं पूछना चाहता हूं। सारी नौकरियों की नियुक्तियों के अधिकार व्यापम में केंद्रित हो गए हैं, और व्यापम का आप देख रहे हो, ऑनलाइन परीक्षा में भ्रष्टाचार और खुलेआम पैसे लेकर लोगों ने भर्तियां की हैं। साथियों, आज इस प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो वादे किए, कांग्रेस ने जो वादे किए थे 18 में, हमने शुरुआत करती थी उसका पालन कराने, किसानों का कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ओवरड्यू किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे पूरे प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान जी ने जब कहा कर्जा माफ नहीं हुआ, तो हमने उनके गांव के, उनके रिश्तेदारों के खातों का नंबर बता दिया, नाम बता दिया, कितने लोगों कर्जे माफ हुए हैं, बाकी छोड़ दीजिए,
जैत जिला सीहोर तहसील बुदनी शिवराज सिंह चौहान के परिवार के जो लोगों के कर्जे माफ हुए वो हमने प्रमाणित कर दिए और अब कांग्रेस पार्टी हर हमारे सेक्टर में हमारे हर पोलिंग बूथ पर जितने लोगों के कर्जे माफ हुए हैं उसकी सूची हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे ताकि ये झूठे और झूठ बोलने वाले जो लोग हैं उनका पर्दाफाश हम लोग कर सकें। साथ में हमारा वह वादा रहेगा कि महंगाई के खिलाफ जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है जब से केंद्र में सरकार मोदी जी की आई है गरीब गरीब होता जा रहा है अमीर अमीर होता जा रहा है। इसलिए कमलनाथ जी ने महिला सम्मान योजना के अंतर्गत वादा किया है कि 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। आजकल वो उज्ज्वला के बैनर दिख नहीं रहे हैं, उतार लिए क्या मोदी जी ने? पहले तो पेट्रोल पंप पे उज्ज्वला ही उज्ज्वला दिखता था, अब अंधेरा कैसे हो गया? क्या हो गया? 400 की टंकी आज 1170 रुपए में बिक रही है और 30 रुपए ज्यादा लेकर 1200 में लोग दे रहे हैं। वहां भी कालाबाजारी चालू हो गई है, खाद में तो कालाबाजारी हो ही रही है, 250 की खाद 400 450 बिक रही है, दवाइयां महंगी हो गई, खाद 50 किलो बोरी की बोरी या 45 किलो की कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये तो अनूपपुर इलाका है, यहाँ तो जंगल का इलाका है, यहाँ इनसे क्या क्यों डरते हो? शेर तेंदु चीते से हम लोग नहीं डरते, इससे क्या डरेंगे? बात वही है कि पूरे तरीके से किसानों को आज उनका शोषण हुआ है और हमने ये भी वादा किया है कि महिला सम्मान के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और ये योजना शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना चुराई हुई योजना है। जब हमने वादा कर लिया था 2019 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने डाला था 2019 में कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में डाला था कि यदि कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनती है तो हर परिवार को जो गरीब है उसको 6000 रुपये माहवार दिया जाएगा न्यूनतम आय योजना के अंतर्गत, न्याय कहते थे उसको। लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी। लेकिन उसके बाद हिमाचल में और बेंगलोर हमारे मैनिफेस्टो में डाला था हमने 1500 और वहाँ डाला है 2000 रुपये महिलाओं को देंगे, वहाँ से चुरा कर लाडली बहनें आ गई। अरे 20 साल तक इंतजार क्यों किया शिवराज सिंह चौहान आपने, भाजपा ने? तब लाडली बहना लाडली नहीं थी आपकी, एकदम लाडली हो गई, चुनाव आया तो लाडली हो गई। कल हमारी एक बड़ी अच्छी महिला वक्ता ने कहा कि हम अगर तुम्हारे बहन हैं तो हमारे जीजा लोगों को काहे को जेल में भर रहे हो? इनको काहे जीजा नहीं बोलते, इनको जीजा काहे नहीं बोलते हमारे लोगों को जो आज बिजली की वसूली के अंदर उनको जेल भेज रहे हो? हमारे जीजा को उनको जीजा क्यों नहीं बोलते? शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह जैसा फ्रॉड और झूठा राजनीतिक मैंने नहीं देखा। आपने पाखंडी, आपने ठीक कहा, पाखंड भी उसने नर्मदा में खड़े होकर कहा था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और 6 महीने बाद विवाह कर लिया था, इसलिए ये उन्हीं के आसपास के रहने वाले हैं निकला जी। खैर उन्होंने विवाह कर लिया, साधना बहू हमारी उनके घर में आई है, दो दो बड़े अच्छे होनहार नवयुवक हैं जो कि भाजपा आरएसएस के लड़के तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, देश में पढ़ते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये बात भी सबके सामने आना चाहिए कि उनकी आमदनी जैसा उन्होंने वादा किया मोदी जी के सामने, उन्होंने कहा कि मोदी जी मध्य प्रदेश में किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। अरे एक भी किसान से पूछ लो उसकी आमदनी दुगनी हुई है क्या? केवल एक व्यक्ति की किसान की दुगनी हुई है, दुगनी चौगनी पांचवी दसगुनी हुई है, वो शिवराज सिंह चौहान।
जिन्होंने अपने गांव में जहां खेती थी वहां खेती नहीं करते, विदिशा में खेती कर रहे हैं। जरा फार्म हाउस उनका जाके देख लो, आलिशान फार्म हाउस, वेयर हाउस। अभी कुछ दिन पहले दीपक जोशी जी, कैलाश जी के बच्चे जो आए, उन्होंने कहा कि जब ये हमीदिया कॉलेज में पढ़ता था तो इसके भोजन की और कपड़ों की व्यवस्था कैलाश जोशी जी किया करते थे। आज इसके पास 9.5 करोड़ रुपए आकाश से गए, जो उसने घोषणा की है। साथियों, ये सब बातें हैं, लोग ऊब चुके हैं इस झूठे वादों से, ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनको भरोसा है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करेंगे। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की एमएलए है हमारी राम भाई ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, कमलनाथ के ऊपर मुझे भरोसा, वो कर दादा कमलनाथ दादा करके दिखाएंगे। तो ये कमलनाथ दादा जो हैं ये अपने वचन के पक्के हैं। कुछ प्रश्न पूछना तो पूछ लीजिए। अटकलों का दौर चल रहा है अटकल या बैंगलोर की अटकल तो पूरी हो गई ना? नहीं, जो बैंगलोर गए थे। अच्छा, जो बैंगलोर यात्रा करके गए थे वो चुनाव के पहले फिर वापस आना चाहते, क्या करेंगे लेके? तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं तो उसका विरोध करूंगा। कोई आना भी चाहेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। कहा है कोई बिकाऊ माल वापस लेंगे, टिकाऊ माल रखेंगे, रहने दो उधर। जी हाँ, उसको वही रखिए, वही रखिए, बिसाउलाल या बिकाउलाल उसको वही रखिए।